पास में बहुत लोग आते थे और कहते थे जी वहां पर हमारी जमीन कब्जा कर ली प्रशासन से, ये नहीं करा जी वो नहीं करा। वे कहते थे भाई या तो अपना सिर फोड़ना हमारे पास और या दूसरे का फोड़ना, बगैर फूटा फटाई हमारे से आंदोलन होता नहीं, समझ गए। और जिस तरह की आपकी जमीन छीनी जाएगी, आंदोलन में मुकदमे वापसी की कहां से बात आएगी। दूसरी डिमांड लिख रही है कि जिला प्रशासन पड़े के तहत क्षेत्र के कोई दूर किसानों के सभी दर्ज मुकदमे वापसी हो। तीसरा भी यही लिख रखा, उनके साथ मारपीट करी घर में घुसे महिलाओं और बच्चों को गाली गलौज कर इनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे हो। भाई आपने जमीन की एक बात नहीं लिखी, मुकदमे की लिखी, इसका मतलब डर गए? नहीं डरे। डरोगे तो जमीन जाएगी, नहीं डरेगी, नहीं डरेगी। दो आदमी को कोई अपने पास में बैठाता है? ये यहाँ का प्रशासन काल खोल कर सुन ले, एक महीने का टाइम है, एक महीने बाद में हम यहाँ पाएंगे बिहार में यहाँ का मुख्यमंत्री यात्रा नहीं निकलेगा, हमारी यात्रा बिहार में ट्रैक्टर से निकलेगी एक महीने बाद में। हम बहुत मदद करते थे यहाँ के प्रशासन के, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के मुख्यमंत्री कि जब हम पहली बार यहाँ पाए हमने कहा कि बीजेपी सरकार को छोड़ के बगल हो जाए आपको मारने का काम करेगी। उनको बाद में भी चिट्ठी लिखी कि यहाँ का जो मंडी समिति है, मंडी बाजार है, जो व्यवस्था है, मंडी बहाली का आंदोलन बिहार से चलेगा। जो मंडी बंद करी है, किसके सहारे पर बंद करी है, मंडी बहाल होगी उसका आंदोलन बिहार से चलेगा। भूमि अधिग्रहण का आंदोलन बिहार से चलेगा। आपको एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है बिहार के लोगों को, और पूरे देश में नौकरी करते और सबसे पहला स्टेट बिहार है, मजदूर बनाने का काम बिहार की सरकार ने किया। क्या आप पूरे देश में मजदूरी करोगे और आपकी जमीन छीनने का काम करेगी बाहर की कंपनी यहाँ पे लालच करेगी और आप देश में मजदूरी का काम करोगे? खावा तुम्हार कसम, एक महीने का टाइम है, कोई गांधीवादी नहीं है हम, ये प्लांट भी बंद होगा, अपने खेत में हल चलाएंगे हम। फरवरी के महीने में 20 तारीख के बाद में आएंगे, 10 दिन बिहार में रहेंगे, इन्हीं खेतों में ट्रैक्टर चलेंगे हमारे, ट्रैक्टर यात्रा भी चलेगी, यात्रा प्रशासन यात्रा यहाँ की कमेटी से बैठ के बातचीत कर ले। हमारे पास में कानून भी है, हमारे पास में भूमि अधिग्रहण एक्ट के कानून है, उन पर उदाहरणों पर बैठ के बातचीत कर लो। जहाँ पे इनको जरूरत होगी हम वहीं पे इनका समाधान करवाएंगे, वहाँ पे इनको सारे कागज देंगे, और हमारी जमीन है हम नहीं देंगे जमीन। यहाँ पे एक ही आदमी मिले जो महिला मिली वो क्रांतिकारी महिला, उसने कहा कि जमीन नहीं देंगे, अगर जमीन लेनी है तो दुगनी जमीन दे दो, जमीन लेनी है तो दुगनी जमीन दे दो, आप खरीद कर ले दो कहीं पे भी, आपको आंदोलन करना पड़ेगा। बिहार का दुर्भाग्य यह है कि जो भी पढ़ लिख लिया बिहार, उसने बिहार छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया, तो ये गांव और ये तो बर्बाद होंगे ही। जितने भी पढ़े लिखे आज बिहार का पूरी मीडिया में दिल्ली पे कब्जा है, और उसके बाद में बिहार की हालात है, हम यहाँ के मुख्यमंत्री को ठीक आदमी मानते हैं, उसने बीजेपी से वापसी करी वो ठीक है, उसकी मदद करेंगे, लेकिन किसानों की पीठ पे अगर छुरा घोंपेगा तो नहीं मदद करेंगे, आंदोलन करेंगे दिल्ली की तर्ज पे। हम आएंगे 10 दिन बिहार में रहेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री सरकार से भी बातचीत करेंगे, यहाँ के जो विधायक आए हैं इनकी सेह पे ये सरकार चल रही है, इनसे भी बात करेंगे कि हाउस में ये मुद्दा उठावे, बिहार के लोगों को मजदूर नहीं बनने दिया जाएगा, बिहार की मंडी बहाली का भी आंदोलन होगा, बिहार के किसानों की जो जमीन छीन रही है उसका भी आंदोलन होगा। ये इस तरह के डिमांड चार्ट आज के बाद में मत लिखना कि मुकदमे वापसी हो जाए, मुकदमे वापसी की बात जब समझौते हो जाते हैं,
जब होती है, जब मुकदमे वापसी होती है, लड़ाई के बीच में ये नहीं कहा जाता कि मेरे चोट ज्यादा लगी उससे ज्यादा लगी। हमारे खेत हैं, 20 फरवरी के बाद में इन्हीं खेतों में ट्रैक्टर चलाएंगे हम। रहेंगे और पूरी मदद उत्तर प्रदेश और पूरे देश से मिलेगी। देश में और किसानों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं होगी। आपका आंदोलन 15 जनवरी से शुरू हो गया है, नहीं कि 3 महीने पहले। जिस दिन किसानों पर लाठीचार्ज होती है, आंदोलन की शुरुआत उस दिन होती है। घबराने की जरूरत नहीं है। जिस पावर प्लांट के लगा हुआ है जिस कंपनी का, इसके दूसरी जगह भी पावर प्लांट होंगे। आंदोलन एक जगह नहीं, आंदोलन उसके दूसरे प्रांतों में भी चलेंगे। ये कोई कंपनी वाले कोई खुला नहीं है, कंपनी वाले ये गुंडागर्दी करेंगे। ये सरकार से पुलिस प्रशासन से बड़ा नहीं है। अगर किसी भी प्लांट के कर्मचारी ने किसान की तरफ देखने की भी कोशिश करी तो उनका इलाज करा जाएगा। इलाज सरकार का चेहरा पुलिस प्रशासन में दिखता है। ये पुलिस प्रशासन का रवैया क्या है, यहाँ के अधिकारियों का रवैया क्या है, उनका चेहरा हमारी फेस में दिखता है। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राजपूत डराने और धमकाने का काम करो। ये किसान कुर्बानियां देंगे, हमारी महिलाओं के लाठी वाली है, वही महिलाएं हल चलाएंगी, वही ट्रैक्टर चलाएंगी महिलाएं। और काम भी बंद होगा, ध्यान से सुन लेना, अगर समझौता नहीं होगा तो काम भी बंद होगा, अपने खेत में काम नहीं करने देंगे हम। हम पूरे देश और पूरी दुनिया में किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। ये संगठन ऐसा नहीं है कि यहां नहीं है संगठन, यहां तो आज तो 30 साल पहले भी हम इसमें आए। टिकेट साहब यहां पे बिहार में आए, आज से 30 साल पहले भी यहां पे आए, बिहार को पूरा बर्बाद करके रख दिया। एक बड़ी साजिश है कि बिहार के लोग मजदूरी करने बाहर जाते हैं। जब हम सेब के बाग में एक किसान कि उसमें काम करते हैं कश्मीर में, तो हमने कहा कि जो मजदूर आपके यहाँ पे, इनसे जरा बात करके देखो इनके पास में कितनी जमीन है। तो हमारे बिहार के लोग शर्माते हुए ये नहीं बताते कितनी जमीन है, लेकिन वे कश्मीर से पंजाब से उनसे ज्यादा जमीन यहाँ के किसानों के पास में है जो खेतों में काम करते हैं। और आपके खेत कंपनी लेगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर लेगी। आपके यही जहाँ पे जल भराव की समस्या है, वहां पे बांध बनाने के प्रोग्राम चल रहे हैं, सड़क आपकी ऊंची है, और एक तक डिमार्केशन देंगे कि पानी उस बनाए और वे पूरी जमीन बड़ी बड़ी कंपनियों को दी जाएगी, यहाँ पे वे खेती करेगी। बिहार के लोग मुंबई में मजदूरी करेंगे और पहाड़ की मुंबई की कंपनी बिहार में खेती करेगी, ये तो नहीं होगा।